हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एक्सपी फार्म आप कैसे बना सकते हो इजीली, वो भी पॉकेट एडिशन में। और इसमें आपको बहुत ही कम सामान की ज़रूरत है गाइस। तो पहले आपको क्या करना है, 2x2 का एक गड्ढा खोद लेना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद उस गड्ढे में आपको दो लार्ज चेस्ट रख लेनी है। ये चेस्ट हम इसलिए रख रहे हैं ताकि जो भी मॉब्स हम मारेंगे उनके सामान इसमें कलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसलिए आपको इस पर क्राउच करके 4 हॉपर भी लगा लेने हैं, दोनों चेस्ट पर अटैच करके। उसके बाद आपको हॉपर के ऊपर है ना स्लैब्स रख लेने हैं, और याद से स्लैब्स रखते वक्त भी आपको क्राउच करना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो 4 स्लैब ऐसे रख लेने हैं गाइस। तो अब अपन अपना एक्सपी फार्म बनाना चालू करेंगे। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, अब अपन को बहुत सारे कॉबल स्टोन्स की ज़रूरत है गाइस। तो पहला कॉबल स्टोन कुछ इस तरीके से हमें इसे जमाना है, और फिर इस तरीके से एक वॉल बना देनी है स्लैब्स के अराउंड, ठीक है। स्लैब्स के ऊपर ये वॉल बननी नहीं चाहिए, उसके साइड में रहनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो ऐसी कुछ बनेगी, देखो आप ऊपर से देखोगे ना तो ऐसी दिखेगी। तो ये एक हो गया, ठीक है। अब ऐसे हमें टोटल 18 बनाने गाइस। तो ये 1 है, तो ऐसे हमें टोटल और 17 लगाने गाइस, तो 18 हो जाएंगे। और 18 की हाइट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तभी आपके मॉब्स ना सेफली लैंड कर पाएंगे, जो कि 1 हिट रहेंगे उसके बाद। लेकिन अगर आप 18 से ज्यादा जैसे 22 कुछ रखते हो ना, तो मॉब्स गिर के वहीं पे मर जाते, तो आपको उन्हें मारने का मौका ही नहीं मिलेगा और आपकी एक्सपी बढ़ेगी नहीं। इसलिए 18 बनाना याद से। तो आपको क्या करना है, पूरे 18 ब्लॉक्स की ऐसी वॉल ना पूरी खड़ी कर देनी है गाइस। तो फिर कुछ इस तरीके की आपकी वॉल बन जाएगी गाइस। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका टॉप का ब्लॉक है ना, इसके साइड से अब हमें बाउंड्रीज निकालनी है। तो हमें क्या करना है, चारों साइड से 8 ब्लॉक्स की ब्रिजेस बनानी है गाइस। तो मैं दिखा दूँ कैसे बनानी है। तो ये देखो, यहाँ पे हम टोटल 8 गिन के ब्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है। पहले वाला मत गिनना, जो आपने ऑलरेडी वॉल बनाई है वो नहीं गिनना, आपको यहीं से 1 से 8 तक गिनती चालू करनी है। तो ये देखो, ये अपना 3 4 5 6 7 8 ये हो गया गाइस। तो ऐसे 8 आपको चारों साइड बनाने हैं, दो दो करके। अब हमें क्या करना है गाइस, इसके अराउंड एक वॉल बनानी है एक बाउंड्री टाइप में, और ये चारों ब्लॉक्स बचे हैं ना, इनके ऊपर भी ये वॉल बनेगी। तो आप वॉल देख लो ध्यान से कैसे बनेगी, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन तो होगा थोड़ा बहुत। तो ये हमारा बाहर के साइड बनेगा, और ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ना, इसके ऊपर भी वॉल आएगी, और उसके बाद ये पूरी ब्लॉक यहाँ तक आएगा, और जो हमारे बीच की वॉल का एज रहेगा ना, उसके ऊपर भी ये दीवार आएगी गाइस। तो कुछ इस तरीके से बनेगी। आप एक बार ये वाली साइड भी देख लो तो आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा गाइस। तो एक बार मैं यहां पे भी दिखा देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो सकता है आपको इधर। तो कुछ इस तरीके से ये वॉल लगेगी, और इस साइड पे भी ये एंड तक लगेगी गाइस, और लास्ट में जो एज जो मैंने बार बार आपको बताया है उसके ऊपर भी ये आएगा। तो ऐसे बनेगी ये। और इस वॉल को याद से हमें 2 ब्लॉक्स हाई बनाना है गाइस, 1 ब्लॉक नहीं, इसे 2 ब्लॉक्स हाई बनाना है। और अब जो बचा हुआ एरिया है ना गाइस चारों साइड का, ये हमें पूरा भर देना है गाइस, सिर्फ ऊपर वाली साइड से। पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो टॉप फ्लोर है ना, इसे हमें पूरा भर देना है गाइस। तो कुछ इस तरीके से पूरा कवर हो जाएगा। आपको फिनिश जब ये होगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि कैसा कवर हुआ है ये। तो कुछ ऐसा दिखेगा गाइस, ये बीच में एक प्लस दिखेगा और बाकी ये साइड के कवर रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस, इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स लंबी वॉल खड़ी करनी है, ठीक है, सिर्फ वॉल बाउंड्री पे, बीच में नहीं। तो ये देखो, जैसे ये 2 ब्लॉक्स है ना, ऐसे 2-2 करके आपको पूरी बाउंड्री बनानी है। तो उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपका फार्म। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर हमें एक छत बनानी है, लेकिन छत बनाने से पहले हमें क्या करना है, ये चारों जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, जो चारों साइड दिख रही है, यहाँ पे हम टॉर्च लगा देंगे। क्योंकि क्या होगा, हम छत लगा देंगे ना तो नीचे मॉब स्पॉन हो सकते हैं, क्योंकि ये ढक जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। इसलिए मॉब स्पॉन अभी नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ पर चारों साइड पर इसके टॉर्च लगा देंगे, उसके बाद ऊपर छत बनाना स्टार्ट करेंगे। तो छत आपको कुछ इस तरीके से बनानी है, सिर्फ इसके ऊपर की छत बनानी है, साइड का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा आपको ढक देना है पहले।
और ये एक साइड मैंने छोड़ दिया ताकि हम अंदर जा पाए। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर है ना टॉर्चेस पे टॉर्चेस लगा देनी गाइस, पूरी छत पे आपको टॉर्चेस लगा देनी है। पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लगाना कि लगे कि टॉर्चेस लगाई है सारी साइड पे। अब हमें अंदर आना है गाइस, ठीक है। और अंदर आके हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। ये टॉर्चेस तो अभी लगी रहने दो क्योंकि अभी हमें काम करना है। अब आपको ले लेनी है गाइस दो चीज़ें, एक है ट्रैप डोर बहुत सारे और एक है वाटर बकेट्स गाइस। क्योंकि वाटर बकेट से क्या होगा कि वो बह के ना जो मॉब्स रहेंगे वो नीचे गिरेंगे और ट्रैप डोर से आसानी से वो वहाँ पर आ जाएंगे, तो ऐसा होगा। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमें ट्रैप डोर कैसे लगाना है गाइस। तो कुछ इस तरीके से ट्रैप डोर हमें लगाने हैं, साइड वेज और सारी साइड पर लगाने हैं। तो ये देखो ऐसे लगा के इसको हम नीचे कर देंगे गाइस। तो ऐसे हमें सारी साइड इसे लगाना है और ऐसे ही साइडवेज लगाना है गाइस, बीचों बीच मत लगा देना, साइडवेज लगाना है ताकि साइड की तरफ ये नीचे जाए। अब हमें क्या करना है गाइस, वाटर बकेट ले लेनी है और कुछ इस तरीके से नीचे वाले पे डालनी है, ठीक है, दोनों साइड। तो ये देखो ये एच पे आके रुक जाएगी और ये नीचे नहीं बहेगी, ठीक है। अगर नीचे बहेगी तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए नीचे नहीं बहनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से डालना नीचे की साइड, तो सारी साइड डालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा प्लस जैसा। और ये ट्रैप डोर मैं हटा देता हूँ, गलती से लग गया था। अब क्या करना है गाइस, अपना काम कंप्लीट हो चुका है तो अब सारे टॉर्चेस हटा देना ताकि मॉब स्पॉन हो सके, क्योंकि टॉर्चेस रहेगी तो मॉब स्पॉन नहीं होंगे। तो ये सारी टॉर्चेस हटा के आप एक बार चेक कर लेना आपका फार्म सही बना है क्या, कोई ब्लॉक रह तो नहीं गया। वो ढक के, ये जो ब्लॉक हमारा एक रह गया इसको भी ढक के आप नीचे चले जाओ और नीचे आपको मिल जाएंगे आपके मॉब्स जो कि स्पॉन होना चालू हो गए होंगे। तो मैंने सारी टॉर्चेस तोड़ दिए गाइस, ठीक है। अब इस ब्लॉक को भी ढक देते हैं और अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कोई ब्लॉक रह तो नहीं गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी ब्लॉक रहा नहीं है और साइडवेज भी देख लेते हैं। तो ऐसा आपको पूरा चेक कर लेना एक बार कि कोई ब्लॉक रह तो नहीं गया लगाना, और नीचे साइड से भी एक बार देख लेना। तो हमारा साइड भी बिल्कुल परफेक्ट है और नीचे से भी देख लेते हैं, ये भी पूरा परफेक्ट है गाइस, कुछ भी नहीं छूटा है। तो अब हमारा फार्म वर्क कर रहा होगा मेरे हिसाब से, एक बार नीचे आके देख लेते हैं। चलो गाइस, तो ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है, ये देखो गाइस ऑलरेडी ज़ॉम्बी आ चुका है। तो इसका मतलब है हमारा फार्म पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। थोड़ी देर रुक के देख लेते और मॉब्स कब तक आएंगे, और ये देखो इंस्टेंट आ गए हैं दो मॉब्स और ये मर भी नहीं रहे, क्योंकि अगर आप 22 वॉल का बनाओगे फिर 23 का तो वो गिरते ही मर जाएंगे, इसलिए 18 का ही बनाना। और जैसे ये नीचे गिरेंगे आप इन्हें वन हिट में मार सकते हो गाइस। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है मॉब फार्म। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार ऐसे मजेदार माइनक्राफ्ट की वीडियोस के लिए। और आप यहाँ पे एक और चीज़ में बताना भूल गया था गाइज, यहाँ पे आपको रुक कर थोड़ी देर AFK होना पड़ेगा तभी यहाँ पे मॉब स्पॉन होंगे, ठीक है। अगर मेरी पिछली माइनक्राफ्ट की वीडियो आपको देखनी है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।